कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पोषण की, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का आज का विषय है महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्मृति वाजपेयी, स्वास्थ्य एवं आहार विशेषज्ञ। साथ ही हैं डॉक्टर निसरीन हुसैन, आप हैं प्राणी शास्त्र विशेषज्ञ। दर्शकों, पोषण हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए जिससे हमें उचित पोषण उचित मात्रा में मिल सके और बराबर मिल सके, क्योंकि पोषण की कमी की वजह से कई बार हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जो दिनचर्या है वो भी बिगड़ सकती है। इसी संबंध में मैं जो अपना पहला सवाल है वो डॉक्टर स्मृति वाजपेयी से पूछना चाहूँगी। स्मृति जी, पोषण की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, दिनचर्या में और हमारी पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? यदि हम अपने जीवन की कल्पना करते हैं तो उसके साथ ही साथ पोषण की कल्पना बनती है। हमारा जीवन है क्योंकि हमारे पास पोषण है, न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि दूसरे सभी प्राणियों के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा जीवन के लिए अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है। जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण से संबंधित बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बीच में हैं। हमारे पास आज जो बड़ी विकराल समस्या है वो अति पोषण और अल्प पोषण की है। हमारे देश में जहाँ अल्प पोषण एक बड़ी समस्या है जिस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारे बीच में खासकर हमारे युवा वर्ग से लेके अधेड़ावस्था तक अति पोषण या अधिक पोषण के कारण बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। तो पोषण निश्चित ही हमारे जीवन में समानांतर चलने वाली एक प्रक्रिया, एक पूरी तरह से विषय है जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शक हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ जी, मैं हरियाणा से संदीप कुमार बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है? ये बच्चों के बारे में जानना चाहिए, बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए, उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए। मैं निसरीन जी से चाहूंगी कि इसका जवाब दें कि बच्चों के उचित पोषण के लिए उनको क्या क्या खिलाना चाहिए। उनको तो पहले तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स दें, मिल्क दें जी। और उनको जो जंक फूड से हम उनको अवॉइड करें, जंक फूड लेने के लिए कैसे हम उनको रोक सकते हैं ये पहले देखें हम जी। कि जंक फूड बहुत हार्मफुल होता है, बहुत हानिकारक होता है बच्चों के लिए। तो जो घर में माँ बनाए वो मुझे लगता है कि जो हम खाना खाते हैं भले वो सिंपल हो लेकिन वो ही पौष्टिक होता है और बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत ही उचित होता है जी। ये मेरा सोचना है जी। स्मृति जी, आप क्या कहेंगी? बच्चों के अलग अलग जो उम्र होती है उसके हिसाब से भोजन की आवश्यकता कम और ज़्यादा होती है। 6 माह पूरा किया हुआ जो बच्चा होता है वह पूरे भोज्य पदार्थ को खा पाने में सक्षम होता है। शुरुआती स्तर पर बच्चों को नरम और तरल प्रकृति का भोजन देना है। जब 6 महीना पूरा हो गया तो बच्चे को बिल्कुल तरल पदार्थ न दें। ऐसा करने से बच्चे का वजन कम होने लगता है, उसे पौष्टिक तत्व कम मिलते हैं। उसे सेमी सॉलिड अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ देना शुरू करें और उस भोज्य पदार्थ में घरेलू सभी तरह के भोज्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी, फल, पकी हुई सब्जियाँ, फल का रस या मसला हुआ केला, मसला हुआ फल और इसके साथ में आवश्यकता अनुरूप घरेलू जो अनाज हम खाते हैं वो भी बच्चे को देना चाहिए। 6 माह पूरा किया हुआ बच्चे को दिन भर में 1 कटोरी भोजन से हम शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसके भोजन की मात्रा हमको बढ़ा देनी चाहिए। जैसे बच्चा बढ़ता है उसको सब तरह का स्वाद पता चले, इसके लिए हर तरह का भोजन उसको, मतलब मीठा, नमकीन, सभी तरह का भोजन कराएं और पेय पदार्थों का ध्यान रखें। साथ ही 6 माह के बाद बच्चे को जब हम ऊपरी आहार देते हैं तो स्तनपान जारी रखना चाहिए। 1 साल के बाद जब बच्चा स्तनपान करना कम कर देता है तो उसको ऊपरी आहार हमको ज़्यादा देना चाहिए।
तो संदीप जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। उम्र के हिसाब से बच्चों की डाइट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसा कि स्मृति जी ने बताया, और उसको आप फॉलो कीजिए, आपके बच्चों को उचित पोषण ज़रूर मिलेगा। हम बात कर रहे थे विटामिन्स और उसकी मिनरल्स की किस तरह से भरपाई की जा सकती है। कैल्शियम और आयरन के लिए, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी ज़्यादातर देखी जाती है, तो उसके लिए क्या घरेलू उपाय अपनाने चाहिए? निसरीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले। कैल्शियम के लिए तो हम लोगों को सबसे पहले तो मिल्क लेना चाहिए जी, है ना। मिल्क एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। फिर वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स भी हमें लेना होता है, और कुछ सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में जी, लेकिन जी। सप्लीमेंट्स हमेशा ये देखना चाहिए कि बैलेंस्ड है कि नहीं जी। नहीं तो कई बार ये होता है कि जो एक्सट्रीम कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है जी, तो वो भी बहुत डेंजरस हो जाता है, वो बोन्स को बहुत हार्ड कर देता है। और बस हम लोगों को जैसे सीरियल्स है, ये पल्सेस है, इस तरह के हमें वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हमको हमारे डाइट में हमेशा शामिल रखना चाहिए जी, जिससे कि हमारे में कैल्शियम की कमी जो है वो उसकी भरपाई होते रहे। क्योंकि जैसे जैसे एज होती है जी, जैसे हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं जी, जी। तो कैल्शियम की डिफिशेंसी होने लगती है, इस तरह से हमें बैलेंस रखना चाहिए। अच्छा, बात जब सप्लीमेंट्स की चली है, स्मृति जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मार्केट में प्राइवेट कंपनीज की बहुत सारे सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें खास आमतौर पर लोग जनरली बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ले भी लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और ये कितना कारगर है? जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि ये कहाँ तक सुरक्षित है। हमेशा उसके जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े जाते हैं या उसका किसी तरह का विज्ञापन होता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन है, दूसरे विटामिन हैं, उससे खासकर हमारा युवा वर्ग काफ़ी प्रभावित होता है और अपनी डाइट में बहुत अधिक मात्रा में शामिल कर लेता है, जो निश्चित ही उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सप्लीमेंट पे पूरा भरोसा ना करें, नेचुरल घरेलू भोज्य पदार्थ को अपने डाइट में, अपने पोषण में पहले अहमियत दें, उसके बाद ही आप कोई सप्लीमेंट लें। यदि किसी भी उम्र या वर्ग के लोगों का आहार संतुलित है तो उन्हें सप्लीमेंट की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं होती है। सप्लीमेंट के जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप घरेलू भोज्य पदार्थ, जिस सप्लीमेंट को आपको लेना है, जैसे आपको प्रोटीन अधिक लेना है तो आप अधिक प्रोटीन वाला कुछ घरेलू भोज्य पदार्थ ले लें, तो सप्लीमेंट की तरफ अपना रुझान कम रखें, वो ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा और अच्छा। बिना विशेषज्ञ की सलाह के, बिल्कुल ना लें। अधिक मात्रा में सप्लीमेंट्स लेने से एसिडिटी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, किडनी से जुड़ी समस्याएं जैसी बहुत सी बड़ी समस्याएं भी आ जाती हैं, इसलिए विशेष सलाह के बाद ही इसका उपयोग। निसरीन जी, स्मृति जी, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं फोन के माध्यम से। जी हेलो। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बालोद जिला से, बालोद जिला दल्ली राजा से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं सर? बालोद से, राम कुमार जी। राम कुमार जी, आपका प्रश्न बताएं। हाँ मैडम, एक बच्ची है जो जन्म से पोलियोग्रस्त है। अच्छा। हाँ, गरीब बच्ची है मैडम। जन्म से बच्ची पोलियोग्रस्त है, तो उसकी देखरेख कैसे करनी चाहिए? स्मृति जी, यदि बच्ची को पोलियोग्रस्त है तो सबसे पहले किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन से आप उसका चेकअप कराएं। इसके साथ ही आप ये भी देख लें कि बच्ची का वजन सामान्य है कि नहीं, बच्ची की उम्र क्या है। यदि ये पता चलेगा तो हम उसके पोषण से संबंधित चीज़ों के बारे में अधिक अच्छे से बात करेंगे। बच्ची का यदि वजन सामान्य है और वो उसे पोलियो हुआ है तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसे रोज एक्सरसाइज करवाना है और उसके पोषण में विशेष ध्यान दें, जैसे दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ, भाजी वाली चीज़ें उसको आहार में जरूर दें। इससे उसकी स्थिति और उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं जो हैं वो सही हो पाएंगी। निसरीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो एक एक्सपर्ट की राय हुई कि खान पान का कैसे ध्यान रख देना चाहिए, यदि परिवार में ऐसा कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए?
न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बच्चे को बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए, जैसे कि हम वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्मृति जी ने बोला अभी कि हम उनको बहुत सारे वेजिटेबल्स दे सकते हैं, सूप बना के दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा स्वाद आए तो अच्छे से उसको ज़्यादा अमाउंट में ले सकें। और कुछ हम घर में ही कुछ न्यूट्रिशियस मटेरियल को बहुत टेस्टी वे में सर्व करें, ताकि बच्चे को ये ना महसूस हो कि वो बीमार है या रोगी है तो हम उसको एक रोगी की नज़रिए से हम कुछ दे रहे हैं। तो क्या होता है, साइकोलॉजिकली अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें और किसी बच्चे की देखभाल करने की बात करें तो उसको हमको साथ साथ में साइकोलॉजिकली भी उसको हमको उसको केयर करना होता है, ये मेरा सुझाव। तो राम कुमार जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से अब करेंगे। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, छत्तीसगढ़ी माटी की खुशबू, गांव शहर की यात्रा, गीत संगीत नृत्य की झंकार, छत्तीसगढ़ में हो रही विकास की बातें, मनोरंजन की लहरें, साहित्य का रसा स्वादन, हमारी आपकी चौपाल की बातें, घर आंगन की बातें, सामाजिक सरोकार, विकास के पदचाप, राष्ट्र निर्माण के पथ पर देखिए दूरदर्शन रायपुर रोजाना दोपहर 1 से 2 बजे तक, डीडी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सभी डीटीएच सेवाओं पर उपलब्ध। एक सवाल मेरा निसरीन जी आपसे है कि एक वर्ग है जो कि अपने खान पान को लेकर बहुत ही लापरवाह होता है और कारण सिर्फ ये है कि उसको बाकी लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं और वो खुद को भूल जाता है, और वो वर्ग है महिला वर्ग। तो उनको अपने खान पान का सब कुछ करते हुए किस तरह से ध्यान देना चाहिए? महिलाओं का एक मैं सोचती हूँ स्ट्रेस और टेंशन का एक पैकेज हम साथ में लेके आते हैं, और हम ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हमारे फैमिली को देखना है, हमारे बच्चों को देखना है, और कई बार हम अपने को भी भूल जाते हैं जी। तो मेरा ये सोचना है कि जब भी हम कोई खाने की बात करते हैं तो वो भोजन जो होता है वो हम सब फैमिली को मिलकर, एक सबसे पहले मेरा सोचना है कि बैठ के हम अच्छे से उसको साथ में खाएं, बहुत प्रभाव डालता है। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो घर में ही अवेलेबल होती हैं उनको हम फूड सप्लाई जो है बच्चों को और हमारे फैमिली मेंबर्स को उसी सप्लाई चेन को लिमिट करके खाने की क्वांटिटी भी हम ये देखें कि जो हम दे रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है कि नहीं, इस तरह से हम उनका भी ख्याल रख सकते हैं जी। और कम ऑयल में है ना, लेस फैट के साथ जी। हम इस तरह का भोजन बना के उन्हें पौष्टिक भोजन जो है दे सकते हैं, ताकि वो भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, क्योंकि वही भोजन हमें भी खाना है जी। और वर्किंग वुमेन के साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, वर्किंग वुमेन हो चाहे ये घरेलू महिलाएं हो जी। स्मृति जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में, यदि हम प्रॉपर डाइट ना लें महिलाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं बहुत सामान्य होती है, जैसा आपने शुरू किया था कि विटामिन डी की कमी होती है, B12 की कमी, महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, खासकर छत्तीसगढ़ में भी एनीमिक महिलाएं बहुत अधिक होती हैं, कामकाजी महिलाएं विशेषकर जो हमारी गांव की घरेलू कामकाजी महिलाएं होती हैं जो खेत में जाती हैं वो अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती, कई महिलाएं गर्भवती होती हैं, धात्री माताएं होती हैं और उनके खान पान का ध्यान ना रखने के कारण उनके बच्चों में भी बहुत सारी कमियां होती हैं। इसके लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे महतारी जतन योजना में महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को इकट्ठे बिछा के भोजन कराया जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि महिलाओं को जितनी ज़रूरत है उतना भोजन मिल सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी घर में पक रहा है वो सामान्य आदत होती कि हम आखिरी में खाएंगे और कई बार भोजन छूट जाता है, तो आवश्यकता तो उतनी ही महिलाओं की भी होती है, उस आवश्यकता के अनुरूप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 3 या 4 बार आपको भोजन करना है। पानी की कमी होने से भी बहुत सी समस्याएँ होती हैं, दिन भर में 3 लीटर पानी अवश्य पी लें, और साथ ही जो घरेलू उपलब्ध चीज़ें हैं वो अपने आहार में शामिल करें। जो भी हमारे घर में होता है कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता,
पर वो निश्चित ही पौष्टिक होता है। जैसे यदि हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट नहीं है तो सोयाबीन की उपलब्धता होती है, देसी चना है, फली है, ये महिलाएं अपने आहार में शामिल करें या अपने टिफिन में रख लें। यदि कोई सूखा फल मौसमी जैसे केला है, जाम है, संतरा है, ऐसे भोज्य पदार्थ साथ में रख के ले जाएं और काम के दौरान लेती रहें। स्मृति जी, जब बात आपने उठाई है कि गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान का किस तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे को और महिला को उचित पोषण मिल सके? गर्भवती महिला की जो सामान्य भोजन की आवश्यकता है वो हम मान सकते हैं कि लगभग 300 कैलोरी बढ़ जाती है यदि हम टोटल ऊर्जा की बात करते हैं। तो इसके लिए गर्भवती महिला सामान्य अवस्था में जितना भोजन लेती है उससे अधिक भोजन उसको लेना है। शुरू में ये होता है कि जो प्रथम तिमाही होती है उसमें महिला ठीक से भोजन नहीं ले पाती है, उसको बहुत सी दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है, तो उसका वजन कम होने लगता है जो निश्चित ही बच्चे के लिए बहुत घातक है। तो महिलाएं अपने खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए एक मील अपना बढ़ा लें, मतलब जितनी उनको भूख है वो लें और थोड़ी देर बाद फिर से खा लें। अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, थोड़ी मात्रा में गुड़, चना, मूंगफली, बादाम जो आपके पास उपलब्ध है, सोयाबीन की बड़ियाँ, जो मौसमी फल उपलब्ध है ये अवश्य लें। इससे एनीमिया होने की संभावना कम होगी और आपका बच्चा स्वस्थ होगा, सुपोषित होगा। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संपन्नता में लोकगीत और नृत्यों का बड़ा योगदान है। चंदैनी, पंडवानी, भरथरी की लोक गाथा, कर्मा, ददरिया, फाग गीत की छटा, पंथी, सुआ, डंडा नृत्य और राउत नाचा, भक्ति भाव से परिपूर्ण जसगीत और गौरी गौरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान, बस्तरिया, सरगुजिया, सरहुल नृत्य की थाप, देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। तो देखते रहिए लोक संगीत के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ से। एक और सवाल मेरे जहन में आया निसरिन जी की, जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा हो जाता है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की तरफ से कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, तो उस दौरान किस तरह का डाइट होना चाहिए एक महिला का ताकि उसको अच्छे से पोषण मिल सके? मैं तो ये कहूँगी कि डाइट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होना चाहिए जी, लेकिन बुजुर्गों का कुछ कहना है तो वो मानते हुए जी, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है जी, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब लैक्टेशन पीरियड आता है, बच्चे को माँ फीड करती है, तो उसकी बॉडी में भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की कमी जी, हो जाती जी, है, जिसको कंपेंसेट करने के लिए उसे जो अच्छा लगे वो अगर वो खाए तो शायद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता जी, है जी, जी। और जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन में से होते हुए जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं वहाँ तक पहुँचता है और नेचुरली वो एक बूस्टर होता है जो कि हमें एनर्जी भी देता है और खुश भी रखता है जी। तो ये माँ के लिए एक बहुत ज़रूरी होता जी। है जी। बच्चों की हम बात करें स्मृति जी, तो बच्चों में ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं देखी जाती। आप उनको 24 घंटे खिलाइए, वो 24 घंटे को भी खेलने को तैयार हैं, लेकिन जो आम तौर पे समस्याएं अभी सामने आ रही हैं बच्चों को लेकर, वो एक तो ये आ रही है कि उनके पैर दर्द बहुत हो रहे हैं, मतलब पैरों में काफ़ी पेन रह रहा है और इसकी शिकायत वो रात में ज़्यादा करते हैं, असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आँखों की कमज़ोरी, ये तीन समस्याएँ जो हैं वो अभी ख़ास तौर पर दिख रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? तीनों ही समस्याएं जो हैं ये बच्चों में या किसी अन्य अवस्था में आप देखते हैं तो विटामिन की कमी से हो रही है जी। आँखों में जो तकलीफ़ है विटामिन ए डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की कमी से रिलेटेड है। इसके अलावा बच्चे कई बार जो पैरों में दर्द की शिकायत करते हैं वो सामान्यतः पौष्टिक पदार्थों की कमी से भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी भी होती है या फिर कई बार बच्चे अधिक खेलने से थक जाते हैं और पैर दर्द की कंप्लेन करते हैं। बच्चों की सामान्य साइकोलॉजी होती है कि वो अपनी माता का या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही समस्या को बार बार बोलते हैं, और इस दौरान जब उनको लगता है कि मैं पैर दर्द की बात किया तो मेरी तरफ सबका अटेंशन हुआ, तो कई बार वो आदतन ऐसा करते हैं और कई बार उनको समस्या होती है।
तो समस्या जो है ये विटामिन या ऊर्जा की कमी से होती है, और कुछ बच्चों की साइकोलॉजी इसमें शामिल है। बच्चों का संतुलित आहार देकर असमय बाल सफ़ेद होना, बाल कम होना, या उनकी स्किन से जुड़ी समस्याएं, उनके दर्द की जो आप समस्या बता रही हैं, आँख से जुड़ी समस्याएं, सामान्यतः बच्चों में एसिडिटी जैसी समस्या कम उम्र से देखी जाती है, वो सभी यदि बच्चे को हम संतुलित आहार समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में देंगे, इसके अलावा थोड़ा दौड़ने भागने वाला खेल खेलने को उनको उत्साहित करेंगे, तो निश्चित ही ये समस्याएं कम होंगी। आपने अभी संतुलित आहार की बात की, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक टाइम में संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए। हम जब संतुलित आहार की बात करते हैं तो हमें याद स्मृति जी, मैं आपसे इस सवाल का जवाब थोड़ी देर से लूंगी। हमारे एक और कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बलदाव साहू बेली से। जी बलदाव जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका प्रश्न क्या है? गर्मी के मौसम में क्या क्या खाना है? गर्मी के मौसम में क्या क्या खाना चाहिए, बलदाव जी का ये प्रश्न है। जरूरी है और क्या क्या नहीं जरूरी है? हाँ, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? गर्मी के मौसम में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम पेय पदार्थ कितना ले रहे हैं। एक वयस्क व्यक्ति के लिए दिन भर में 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है सामान्य अवस्था में। इसके अलावा सरलता से पचने वाला भोज्य पदार्थ हमको लेना चाहिए, कम वसा या कम तेल में तैयार भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। सामान्य रूप से दाल चावल रोटी सब्जी दूध दूध से बने भोज्य पदार्थ, मठा दही छाछ कच्चे कैरी का शरबत नींबू की सिकंजी, ये हमको आहार में अधिक शामिल करना चाहिए। गर्मी के फल जैसे तरबूज खरबूज ये भी शामिल होना चाहिए, तो फलों को विशेष स्थान दें। जो नहीं खाना चाहिए वो हैं तेल में तले हुए भोज्य पदार्थ, अधिक लाल मिर्च के साथ में बने हुए तले हुए भोज्य पदार्थ का सेवन गर्मी में बिल्कुल ना करें। इसके अलावा रखा हुआ भोज्य पदार्थ यानी बासी भोजन जो हम रात में रख दिए और दूसरे दिन खा रहे हैं, वो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है, तो उसके सेवन से बचना चाहिए। इस सवाल के पहले आप बता रही थी कि एक संतुलित आहार में क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे और महिला सबको पोषण मिल सके। यदि हम कहें कि हमारा संतुलित आहार जो है वो तिरंगा होना चाहिए, तिरंगे भोजन की कल्पना यदि हम करते हैं तो वो निश्चित ही हमारा संतुलित आहार होता है। तिरंगा भोजन अर्थात आप सोच के देखेंगे 3 रंगों से मिलके बना भोजन संतुलित कैसे होगा। दाल चावल रोटी हरी पत्तेदार सब्जी यदि हम आहार में शामिल करें और थोड़ी मात्रा में सलाद रख लें तो वो हमारा तिरंगा भोजन है। दाल चावल रोटी सब्जी से बना हुआ दूसरा फिर से हमारा एक मील, मतलब एक समय का भोजन और दूसरा भोजन होना चाहिए। इसके अलावा जो मौसमी फल उपलब्ध हैं वो अधिक मात्रा में पेय पदार्थ यदि लेते हैं तो वो हर उम्र के लिए सामान्य अवस्था में संतुलित आहार होता है। निसरिन जी, आपसे जानना चाहूँगी कि डाइट चार्ट की बात हम करते हैं, फॉलो करने के लिए बोला जाता है कि आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है और आपको समय समय पे खाना है, तो ये कितना कारगर है? डाइट चार्ट ठीक है, डाइटिशियंस अपने हिसाब से डाइट चार्ट बनाते हैं और कितना हमको कितनी कैलोरी फूड चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन की क्वांटिटी चाहिए, बट जो आम महिला होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे उसको लगता है डाइट चार्ट एक रख के। तो डाइट चार्ट तो खुद महिला ही अपने घर में जो भी उपलब्ध हैं चीज़ें उनसे वो अपना पोषण कर सकती हैं और देख सकती हैं। जैसे कि स्मृति जी ने बताया अभी कि हमें जो 5 चीज़ें होती हैं वो बहुत, उन्होंने तो तिरंगे की तरह भोजन की बात कही, बहुत अच्छा लगा स्मृति जी। तो मैं भी यही कहती हूँ कि 5 चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे भोजन में जो होना ही चाहिए, तो वही हमारे डाइट चार्ट का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं कहती हूँ कि खुश रहना चाहिए। और स्ट्रेस तो आ रहा है लेकिन स्ट्रेस से हम कैसे कोप करते हैं ये हमें देखना चाहिए। उसके बाद आता है कि हम 5 चीज़ें लें कि जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं तो विटामिन्स मिल जाते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमारे हमें लेना है तो रोटी और चावल से मिल जाता है, और प्रोबायोटिक्स हमें चाहिए यानी हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में उसको जीवित रखना उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
तो वो उसके लिए प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट है, दही है, इन सब चीजों को हमें लेना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ये मेन होना चाहिए। फिर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स तो होते हैं बिल्कुल, और समय समय पर उसको खाना चाहिए और हाइड्रेटेड रखना चाहिए बॉडी को ताकि हम पेय ले सके। जी निसरिन जी, हमारे एक और कॉलर हमसे फोन के माध्यम से जुड़े हैं। जी हेलो। हाँ जी हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? चंद्र कुमार राउत। चंद्र कुमार राउत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है। मैडम मेरी लड़की 1.5 साल की है जी, वो खाना नहीं खा रही है। अच्छा, ये चंद्र कुमार राव जी तरह तरह के खाना खिला रहे जी। जी ये चंद्र कुमार राव जी हैं भंडारा से, इनका प्रश्न है इनकी बच्ची 1.5 साल की है और वो खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए उसके खाने पीने? सबसे पहले यदि बच्ची 1 साल से अधिक उम्र की, जैसा आपने बताया कि बच्ची 1.5 साल की है, तो एक बार उसका डीवर्मिंग करा लें। डीवर्मिंग अर्थात कृमिनाशन दवा का सेवन करवाएं जो आप किसी चिकित्सक की सलाह से करवाएं। कई बार पेट में क्रीमी हो जाने या कीड़े होने की वजह से भी बच्चे को भूख नहीं लगती और वो भोजन नहीं करता है। डीवर्मिंग जो है ये समय के अनुसार करें, जितने गैप डॉक्टर आपको बताते हैं उतने गैप में करें। बच्ची यदि स्तनपान कर रही है तो साथ में उसको थोड़ी थोड़ी देर में पहले ये समझने की कोशिश करें कि उसे मीठा या खारा कैसा भोजन पसंद है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में डीवर्मिंग करने के बाद आप भोजन करा के देखिए, निश्चित ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, वैसे संतुलित आहार देने का प्रयास करें। तो चंद्र कुमार राव जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। स्मृति जी, निसरिन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पोषण के बारे में आज हमने विशेषज्ञों से बातचीत की और उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, हम फिर से आएंगे आपके लिए एक अलग विषय पर अलग तरह की बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।